आशीष जी, ध्रुपद के विषय में कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे। ध्रुपद गायन जो है भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय संगीत शैली है, जो अभी भी अस्तित्व में है। अभी भी एक जीवित परंपरा के रूप में ये गायन शैली हम यहाँ पाते हैं। हालांकि ध्रुपद के गायकों की संख्या बहुत कम हो गई है पहले के मुकाबले, लेकिन प्राचीनतम शैली शास्त्रीय संगीत शैली, और शास्त्रीय संगीत में भी सबसे ज्यादा शास्त्रीय, मतलब सबसे ज्यादा शास्त्र से बंधा हुआ गायन शैली ध्रुपद है। आपका ध्रुपद गायन की ओर झुकाव कैसे हुआ? जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, उस समय मैंने ध्रुपद गायन का एक रिकॉर्डिंग सुना, मैंने बड़े डागर बंधुओं का, और उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि उनका जो पूरा जो कंठ स्वर था, जिस तरह से वो आवाज लगा रहे थे, लग रहा था जैसे कोई बहुत गहरी किसी जगह से ये आवाज आ रही है, कि मतलब आवाज में और पूरे उसमें इतनी गहराई थी जो जिसने मुझे बिल्कुल खींच लिया। मैं उस रिकॉर्डिंग को मैं 20 बार जो है मैं 10-20 बार सैकड़ों बार मैं सुनता रहा, और फिर मैंने कहा, सोचा कि इस गायन शैली को हर हालत में सीखना ही होगा। आपने किस घराने से विधिवत शिक्षा ली है? एक बहुत बड़े प्रतिनिधि उस्ताद जिया मोहिउद्दीन डागर, जो रुद्रवीणा बजाते थे, उनका एक प्रोग्राम हुआ और मैंने अखबार में पढ़ा और मैं प्रोग्राम में गया, और प्रोग्राम के बाद मैंने उनके पैर छुए और मैंने कहा कि आपका जो ये जो ध्रुपद गायन है, इसको मैं सीखना चाहता हूँ। फिर उन्होंने मुझे घर पर बुलाया और तब से जो है उनके ही घराने के जो उनके भाई, और उनसे फिर अलग उनके भाइयों से ये तालीम का जो सिलसिला जो है शुरू हुआ, और वो 20 साल तक चलता रहा। ध्रुपद गायन के भविष्य पर क्या सोचते हैं? कि ध्रुपद के जो भी अच्छे गायक हैं, उनकी संख्या बहुत कम है अभी, वो लगभग साल में आधे समय से भी ज्यादा जो है विदेशों में टूर करते रहते हैं। तो हमारे ध्रुपद केंद्र से भी उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर ने बहुत अच्छे शिष्यों को तैयार किया है, मैं भी उनका शिष्य हूँ, और भी बहुत अच्छे शिष्य हैं। हम जो है ध्रुपद गायन को ज्यादातर जो है यूरोप अमेरिका में टूर करके जो है, क्योंकि वहाँ इसकी बहुत लोकप्रियता है, तो पिछले साल ही मैं लगभग 7-8 बार मैं भारत से बाहर गया, लगभग 50-60 प्रोग्राम हुए मेरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये ध्रुपद केंद्र में जो बच्चे सीखेंगे, उनके लिए जो पारंगत हो जाएंगे इसमें, उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करने का एक बड़ा मौका मिलेगा उनको। गायन की इस परंपरा को आगे बढ़ाने की दिशा में क्या प्रयास कर रहे हैं? मेरा इरादा है कि ये इन 4 सालों में मैं कुछ अच्छे लोगों को तैयार करूं, जो कि इस परंपरा के आधारवाहक भविष्य में बन सकते हैं, वो काबिल ध्रुपद गायक और ध्रुपद के शिक्षक गुरु बन सकते हैं, ऐसे लोगों को तैयार करना है। गायन के इतिहास के सबसे प्राचीन विधा पर आपकी जानकारी निश्चित रूप से बढ़ गई होगी। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे स्टंटमेनिया सीजन 3 के प्रमोशन पर। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।